सीएस देवरी मिर्जापुर के बच्चे ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए यहाँ पे एक गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें हार्ट का एक प्रारूपिक चित्र बनाया गया है। इसी के ऊपर इनको एक्टिविटी करके ब्लड सर्कुलेशन कैसे हमारे शरीर में होता है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पहला चरण क्या है अंशिका? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं आलिंग से होते हुए दाएं नाले में जाता है। सेकेंड स्टेप क्या है काजल? दाया नीला द्वारा फुसफुसी धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है। फुसफुसी धमनी द्वारा कहाँ गया? फेफड़े। अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या करें सुअंजलि? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ, फेफड़ों में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब ये लोग देखो साफ सुथरे हो गए ना, अब शुद्ध रक्त आएगा। यहाँ रक्त शुद्ध हो गया, फुफ्फुसी सिरा द्वारा बायां नील से बायां नीले में जाता है। बायां अलिन से कहाँ गया? बायां नीले। ये अब शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे? बायां नीले में पंप होकर शरीर के सभी अंगों में जाता है। वेरी गुड, ये शुद्ध रक्त पंप होके कहाँ जाता है? शरीर के सभी अंगों में। ये देखो, समझ में आ गया? चलो बेटा ग्रुप बी को बुलाओ। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं अलिन से दाएं नीले में जाता है। दाया नीला द्वारा फुसफुसी धमनियों द्वारा फेफड़े में जाता है। तुम पहले चैम्बर से चौथे में तीसरे में चले गए, फुफ्फुसी धमनी द्वारा जाओ फेफड़ा के पास। फेफड़ा दिख रहा? अब फेफड़े में क्या होगा? रक्त हम लोग सांस फेफड़ों द्वारा ही लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, चलो शुद्ध हो जाओ। वेरी गुड, याद रहेगा ना कहाँ शुद्ध होगा रक्त? यस मैम। चलिए आगे बढ़िए। फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद से बायां नीले में जाता है। ये पंप हो रहा है, ठीक। अब बाकी शरीर के सभी अंगों में निकल जाइए। चलिए ग्रुप सी आ जाइए। चलो अब यहाँ पे नहाना है तुम लोग ना, शुद्ध होना, नहाओ। अरे एकदम उसमें लेट के मत नहाने लगो, बस बस बस, अरे लेट के मत नहाओ, आराम से नहा लो। अच्छा चलो ग्रुप ई आ जाओ। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले द्वारा फुफ्फुसी धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है। हाँ चलो चलो शुद्ध हो गए, आगे निकलो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहाँ आ गए तुम लोग? बाया। हाँ अब बताओ तमन्ना क्या होगा? बाया नीले में पंप होकर के शरीर के सभी अंगों में जाता है। ठीक, शरीर में रक्त का परिवहन कैसे होता है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। सबको याद हो क्या? यस मैम। क्या इसको रटने की जरूरत है? नो मैम। चलो एक बार क्लैपिंग कर दो फिर। अब आप लोग क्लास 7 वाले बच्चों को आप लोग खुद हेल्प करेंगे। यस मैम।
मैं नहीं रहूंगी, ठीक।